हेलो एंड वेलकम टू टेडी टॉकीज। दोस्तों, सुबह सुबह मनीषा के खिलाफ जिया ने भरे अभिषेक के कान। जी हाँ, क्या कहा ऐसा, लेकिन ऐसे में अभिषेक ने भी दिया करारा जवाब। चलिए हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर लाइव फीड में अभिषेक सुबह सुबह बैठकर जिया से बात कर रहा है और यहाँ पर जिया ये कहती हुई नजर आती है कि कोई भी कन्वर्सेशन में उनके माइंड में बस एक ही चीज आती है और वो है मनीषा। ये बात अभिषेक कह रहा होता है जिया से और जिया इस पर कहती है, लेकिन जो चीजें हो रही थी, जैसे जेल में गई उसको कोई गिल्ट नहीं हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको जेल हुई है, वो वहां पर मस्ती कर रही थी। मुझे बेबिका और मनीषा ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। इस पर अभिषेक ने कहा, पर वो लोग हमेशा मनीषा को टारगेट करते हैं और उसके पीछे पड़े रहते हैं, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। जिसके बाद यहाँ पर साफ साफ अभिषेक ने कहा कि उनको बस मनीषा से ही प्रॉब्लम है। अभिषेक ने जिया से पूछा कि तेरा बेबिका से क्या कन्वर्सेशन एंड हुआ था और तब क्या बात हुई थी एंड में। तो जिया ने कहा, तुम्हारे बारे में बात हो रही थी कि तू बहुत बदल गया है और संगत का असर होता है जैसे तू मनीषा के साथ रहता है। इस पर अभिषेक ने कह दिया, इन सब की बातें घूम फिर कर मनीषा पर आकर खत्म होती हैं। खैर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और वो मेरे लिए सबसे ऑनेस्ट है और हमेशा रहेगी। वेल, ये सुनने के बाद जिया चुप हो गई। लेकिन दोस्तों, साफ है कि मनीषा इस समय सबके टारगेट पर है। फिनाले वीक है और हर कोई चाहता है कि मनीषा निकल जाए। आपको बता दें कि मनीषा नॉमिनेटेड है और बेबिका फिनाले वीक में पहुंच चुकी है। आप क्या कहेंगे कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।